चलिए यदि देखते हैं कि भारत में अधिकांश कक्षाएं अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुभाषी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुभाषी कक्षाएं जहाँ भी होती हैं उसकी सबसे बड़ी एक विशेषता यह होती है कि वहाँ बच्चों को सीखने का ज़्यादा अवसर मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के विचार उसकी भाषा में सीखने का अवसर और उसकी भाषा से लिंक होने का। तो बहुभाषी कक्षाएँ जो होती हैं बहुआयामी विकास भी करती हैं, और भाषा के संदर्भ में तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे उपस्थित हों। तो इसको अब क्या देगा, बहुभाषी की अगर हम बात करें तो बहुभाषी जो शब्द है ये टोटल आपका प्लस का शब्द है, ये जब भी आएगा आप समझिएगा प्लस का शब्द है। अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट से समझें तो भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा कैसे देखा जाना चाहिए, तो जो बहुभाषी कक्षा होगी तो एकदम शानदार सुपर लेवल होगा, बच्चे ज़्यादा सीखेंगे एक दूसरे की लैंग्वेज से। तो ये माइनस का शब्द है समस्या, तो समस्या तो होगी नहीं, शिक्षक को ये नहीं देखना चाहिए कि समस्या है कि हमको समझाने में उस बच्चे को डिफिकल्ट होगा। अगर दूसरे शब्द को मैं ले रहा हूँ, तीसरे ऑप्शन को बाधा, ये भी माइनस का शब्द है, और फोर्थ को ले रहा हूँ परेशानी, ये भी माइनस का शब्द है। अगर मैं जो देख रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो करेक्ट है ये एक संसाधन जो प्लस का शब्द है, संसाधन क्या होते हैं कि आपके जो कार्य हैं उसको सुलभ करते हैं, सरल करते हैं, आसान करते हैं। तो इस आधार पे अगर मैं इस बात को देख पा रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर दो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और बहुभाषी का अच्छा हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव है, और उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, और शिक्षक को संसाधन के रूप में ही हमेशा देखना चाहिए, न कि समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में, ऐसा कभी नहीं देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा गलतियों और त्रुटियों, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिए गलतियां और त्रुटियां। अब एक बात देखिए, अब किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षार्थियों के द्वारा। अगर गलती और त्रुटि हो रही है तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, तो अगर गलतियाँ होनी होती है तो ये नहीं कि इसका मतलब कि उसको एकदम दंड दे दिया जाए। गलतियाँ और त्रुटियाँ अगर विद्यार्थी के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब ये देखने का अवसर मिल रहा है कि वह बालक किस रूप में विचार कर रहा है, सोच रहा है। जैसे अगर ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, अगर आप देखें तो गलतियाँ माइनस का शब्द है और त्रुटियाँ भी माइनस का शब्द है, और शब्द जब लगता है तो इसका मतलब होता है प्लस, यानी इस माइनस और माइनस को जोड़ के ये क्या कर देता है, प्लस, यानी जवाब जो टेक्निकल फ्रंट में जाएगा वो जाएगा प्लस में। तो देखिए शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, असफलता माइनस शब्द है, हमें ढूंढना प्लस है। अगर कोई विद्यार्थी गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो इसका मतलब कि विद्यार्थी और शिक्षक में त्रुटियां नहीं है, गलतियां विद्यार्थियों में होती है, जिसके संदर्भ में ये समझा जाता है कि किस वे में वो सोच रहे हैं। दूसरे ऑप्शन को यदि मैं लेता हूँ, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट है कि उनके चिंतन को, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए उनके चिंतन के समझने को अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल कि वह व्यक्ति या वह विद्यार्थी किस तरीके से चिंतन कर रहा है उसको अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वो समझ में आ पाए कि उसकी गलतियां और त्रुटियां किस संदर्भ में हो रही हैं। तो ये वाला जवाब करेक्ट हो जा रहा है। कठोरता शब्द जब भी आएगा, जवाब आप कीवर्ड इसको बना लीजिएगा, गलत होगा। बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट जब भी बात आएगी, कमज़ोर और उत्कृष्ट, ये भी जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकेंड हो रहा है वो करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखेंगे, पहले दे दिया खाली स्थान, दे दिया के विचार से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि यदि आप देखें कि किन के विचार हैं कि सक्रिय ज्ञान निर्माता, और एक शब्द जब आ गया है इसमें, यदि आप देखें अगर इस ऑप्शन को देख रहे हैं, सिर्फ एक शब्द जब आ जाए, संज्ञानात्मक या ज्ञान निर्माता आ जाए, जब भी ज्ञान निर्माता जीन पियाजे आ जाएगा सीधे करेक्ट, या संज्ञानात्मक शब्द आ जाए तो सीधे जीन पियाजे आंसर होगा। ये कीवर्ड बना लीजिए वाक्य में, ये सिर्फ कीवर्ड है। इन्होंने समझा कि बच्चे जो होते हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, जिससे अपने सोच से अपनी दुनिया को खोजते हैं, उसके बाद अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया की रचना करते हैं, और ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील तथा सूचना के प्रसारक माना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जब भी ये कीवर्ड इसको बना लीजिए, ज्ञान निर्माता या संज्ञानात्मक शब्द आएगा तो जीन पियाजे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी जो बालकों पर केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, बालकों पर, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करना चाहिए, करने के लिए कहना, देखिए यहाँ दिया है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, अनुगमन और अनुकरण शब्द आएगा तो अनुकरण के आधार पर यह गलत हो जाएगा। होता क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षक का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों को अभिव्यक्ति, यहाँ देखिए पॉजिटिव वर्ड है, और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए, यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप जब आता है तो जवाब गलत हो जाता है। बच्चों की नैतिक शिक्षा देना चाहिए, नैतिक शिक्षा देना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि नैतिक शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मूल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को उनकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का और सक्रिय भागीदारी को ध्यान में देना चाहिए, ताकि बच्चे उससे प्रोत्साहित हो सकें और उसमें रुचि ले सकें, ताकि उनका उसमें अध्ययन करने का जो रास्ता हो और मजबूत हो सके और रुचि के माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यदि ये जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जटिल परिस्थिति आ गया यानी विषम परिस्थिति, बच्चों की स्थिति के अनुकूल देखिए कि ऐसी परिस्थिति हो जाती है जटिल परिस्थिति।
ये देखिए जटिल परिस्थिति संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की कैसे सहायता करेगा। पहले कोई भी सहायता ना देकर, देखिए कोई भी परिस्थिति होगी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति होगी और वो शिक्षक है तो वह बच्चों को हर प्रकार का संभव प्रयास चाहेगा कि उस उन लोगों को सहायता करे, इसलिए ये वाली जवाब गलत हो जाएगा। उस पर एक भाषण देके, और भाषण देने से केवल शिक्षक का काम नहीं है कि केवल भाषण दे देगा तो बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, उस परिस्थिति से उबर जाएगा, ऐसा नहीं है। जटिल परिस्थिति बच्चे के सामने उसकी विषम परिस्थिति है, तो भाषण और सहायता न देंगे तो बच्चा कैसे संभव है? भाषण तो देना नहीं है, सहायता नहीं देंगे तो बच्चा उस परिस्थिति से कैसे उबर पाएगा, कैसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे तो फिर उस परिस्थिति से कैसे बाहर आ पाएगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखिए तीसरा, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश। बिल्कुल एक बात अगर देखिए, कोई भी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो घातक ही क्यों ना हो, अगर उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद उसको निर्देश में लिख कर, यहाँ थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिख कर, कि जो ये समस्या है जिसको छोटे छोटे हिस्सों में जब बांटेंगे तो ये हो जाता है विश्लेषण का काम। जब भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो ये काम विश्लेषण का हो जाएगा, और जितना कार्य कितना भी बड़ा हो या समस्या कितनी भी बड़ी हो, यदि टुकड़ों में उसको रख के देखेंगे तो वो उसको समझने में करने में सहजता आ जाएगी, जिसके कारण आप आसानी से उस समस्या से निदान पा सकते हैं। समस्या कभी भी आ सकती है, इसका कोई वो नहीं है कि इस दरमियान पे आएगी। फिर अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे, सॉरी ऑप्शन नेक्स्ट को देखेंगे, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य को पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पुरस्कार शब्द आएगा, दंड शब्द आएगा, तो बच्चों के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में ये गलत माना जाता है कि आप पुरस्कार दीजिए, दंड दीजिए, इनाम दीजिए, ऐसा शब्द जब भी आएगा तो इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कि शिक्षार्थी से ये अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में, अब देखिए उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करना जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, तो अब ये क्या है, जिस रूप में आपने देखा है सीधे वैसे ही उतार दिया, तो इसका मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो एक प्रभावी आकलन, ये प्रभावी आकलन तो हो ही नहीं सकता है, आप तो सीधे कॉपी कर रहे हैं तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को देख रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों कहते हैं पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अब देखिए, अब समस्यात्मक है कि नहीं है, पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। अब बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, कि ये देखिएगा कि ये समस्यात्मक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि जैसा उन्होंने सीखा है सीख वैसे ही उसको कॉपी करके उतार देना, तो बिल्कुल ये समस्यात्मक बात है, क्योंकि बच्चे जब कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों से क्या करता है, अपनी व्याख्या करता, और ज्ञान को ज्यों कहते हैं क्या करता है, पुनः उत्पादित नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अपने आप अनुभव करिए, सीखिए नई चीज़ों को। तो इस तरीके से यदि विद्यार्थी कर रहा है सेम वही बातें उतार रहा है, 600 उतार रहा है, तो इसका मतलब कि ये समस्या वाली पढ़ाई है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, केवल रट्टा तोता बन जाएगा। अगर ऑप्शन सी देखें, अच्छा है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये अगर रट रहा है जैसे कि वैसे उतार रहा है तो गलत है, उसको अपने शब्दों में बोलने के लिए अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, और उस बच्चे को ऐसा करना भी चाहिए, नहीं तो 3 इडियट्स वाला हाल हो जाएगा। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कि जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समूह, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि समूह में किसी समस्या पर देखिए चर्चा करने का अवसर दिया जाता हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इससे क्या होगा, जब आप समूह में ग्रुप में यानी GD करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हर बच्चे की जो व्यक्तिक भिन्नता होती है या जो व्यक्तिक मानसिकता होती है उसके आधार पर आप सीखते हैं, और समूह में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं तो इसलिए उनकी जो मानसिक स्थिति है उस आधार पर जो उनका वार्तालाप होता है या प्रश्न होता है उसके आधार पर आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, समूह में चर्चा जब भी आएगा आप समझिएगा पॉजिटिव चीज़ है, तो स्थिर रहता है, तो अब ये स्थिर का मतलब होता है कि बराबर या ना तो ज़्यादा अधिक, यानी एकदम रुका रहता है, तो ये इस तरीके का केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन दो देखते हैं, औन्नत, तो उन्नत का ये विलोम है, तो उस समय यानी ये तो पॉजिटिव शब्द था तो ये निगेटिव मिल गया, ये भी जवाब क्या हो जाएगा, गलत, समान रहता है। देखिए पहला और तीसरा एक तरीके से समान या स्थिर एक ही तरीके का शब्द है, तो ये गलत हो गया, और आप जानते हैं कि समूह में जो बच्चा चर्चा करता है तो इसका मतलब कि वहाँ की स्थिति क्या होती है, बेहतर होती है, पॉजिटिव शब्द है, जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि आप देख पा रहे हैं कि विकास की गति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, बिल्कुल ये करेक्ट बात है, कि जो विकास की गति होती है वह हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, यानी किसी में तेज होगा, किसी में धीमा होगा, किसी में बहुत तेज हो जाएगा, इस तरीके की गति होती है, तो इस आधार पर यदि आप देखेंगे, किंतु यह एक, अब यह देखना है कि किस नमूने को अनुगमन करती है, किस नमूने को फॉलो करती है, यहाँ से पकड़िए, तो पहले आप जानते हैं कि विकास पॉजिटिव शब्द है, एक बार दिमाग में रखिएगा, और इसकी गति की बात हो गई है तो ये पॉजिटिव शब्द है। अब यहाँ ढूंढिए अव्यवस्थित, अव्यवस्थित में ये अ उपसर्ग है, इसका मतलब होता है रहित या नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित रहित,
दूसरा है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में पुनः वही बात, ये भी निगेटिव शब्द हो गया, ये भी जवाब गलत हो गया। एक शब्द देखिए क्रमबद्ध पॉजिटिव का है और व्यवस्थित पॉजिटिव यानी प्लस प्लस का शब्द है। विकास की गति भले एक दूसरे में भिन्न होती है लेकिन हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में यह क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से ही संपन्न होती है। वो एक प्रोसेस जो है वो हर व्यक्ति में वैसा ही होता है, लेकिन जो कंडीशन है, प्रक्रिया और स्थिति, स्थिति अलग अलग हो सकती है लेकिन प्रक्रिया जो है दोनों हर व्यक्ति में सेम होती है। एड़ी से चोटी, इस प्रश्न से कोई, प्रश्न से इसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए जवाब गलत हो जाएगा। क्रमबद्ध पॉजिटिव शब्द है और व्यवस्थित पॉजिटिव, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास की गति भी क्या थी, पॉजिटिव शब्द थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो है उचित है, अगर गौर से देख रहे हैं इस पॉइंट में, तो विकास जो है, एक यहाँ पॉइंट है कि विकास के लिए इनमें से कौन सा उचित है। पॉइंट पकड़िए, विकास पॉजिटिव शब्द है और इस उचित भी पॉजिटिव शब्द है, सीधे हमको पॉजिटिव शब्द जोड़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, यहाँ इंपॉर्टेंट करिए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में यदि मैं बात करूँ तो अगर आप देख पा रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली जो बात है वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट संदर्भ है। कहने का क्या मतलब है कि विकास कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, तो इसलिए यह एक विकास की प्रक्रिया में यह शामिल है, इसलिए जवाब सीधे तौर पर करेक्ट हो जाता है। और एक बात की वर्ड बना दीजिए इसको कि जब भी सामाजिक शब्द आएगा, सांस्कृतिक शब्द आएगा, जवाब लगभग 99.999% करेक्ट होता है। इसका मतलब विकास के संदर्भ में या किसी के भी संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आएगा वह जवाब लगभग लगभग करेक्ट होता है, रेयर केस में वो गलत हो सकता है। आगे आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन को यदि देख पा रहे हैं कि विकास एकल आयामी, ये बिल्कुल गलत है। विकास बहुआयामी होता है, एकल आयामी नहीं होता है। विकास पृथक होता है, विकास विभेद होता है, भिन्नता के आधार पर पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। विकास जन्म के साथ आरंभ होता है, प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, इसलिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त नहीं होगा। विकास जन्म से प्रारंभ होकर सतत चलने वाली मृत्यु प्रयत्न या जीवन प्रयत्न पर चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सेम एक ही आधार पर है। क्वेश्चन को यदि आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है कि भिन्न होता है, क्यों होता है, या भिन्नता का कारण क्या हो सकती है। आप खुद समझ पा रहे हैं कि आपके एक भाई होंगे बहुत मोटे पतले होंगे और आप थोड़े से अलग टाइप के होंगे, क्या कारण हो सकता है आपके भाई, और एक बात ध्यान दीजिए, दूसरे किसी का भाई या आप एक दूसरे से भिन्न है, क्यों, खुद जरा सोचिए और बताइए क्यों होते हैं। इसे कारण सिर्फ इतना है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी ये जवाब, इसको भी कीवर्ड बनाइए, जब भी वंशानुक्रम और वातावरण आएगा और इन दोनों के बीच परस्पर या अन्योन्य क्रिया दिखाएगी और तो ये वाला जवाब 100% सही होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, एक दूसरे से भिन्नता और वंशानुक्रम, एक दूसरे से जब भी कोई व्यक्ति भिन्न होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट जो सबसे प्रबल है, वातावरण, और उसके बाद से जेनेटिक्स, ये दोनों ही एक दूसरे में प्रबल हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं तो व्यक्ति एक अलग मॉडल का निकलता है, एक अलग टाइप का निकलता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जब अनन्य क्रियाएं होती हैं तो व्यक्ति में एक दूसरे से क्या हो जाती है, भिन्नता आ जाती है। ऑप्शन तीसरा देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन पहले वाले में जैसे माता पिता के जीनों की बात यदि आप देख रहे हैं तो पहले ये जीन वाली बात है, वंशानुक्रम से कनेक्ट है, क्योंकि वंशानुक्रम में जीन ही जो होते हैं, जीन ऐसे मटेरियल होते हैं जो पैतृक लक्षणों को, माता पिता या आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर कैरी करते हैं, होते हैं, वाहक होते हैं। तो ये जीन वाली बात तो भी मैं दे दिया, ऑप्शन नंबर दो में वंशानुक्रम के संदर्भ में दे दिया है। और फिर अगर ऑप्शन फोर्थ देख रहे हैं, वातावरण के प्रभाव, ये भी दे दिया है आपको, अभी मैंने यहाँ दिखाया, तो ये जब दोनों ऑप्शन बी में दे दिए हैं तो इसलिए प्रबल आंसर जो हो रहा है, दोनों जब एक साथ देखिए, वातावरण अलग आ रहा है वो भी जवाब करेक्ट है, उसके बाद से आनुवंशिकता आ रहा है वो भी करेक्ट है, लेकिन जहाँ दोनों एक साथ आ गए तो सबसे प्रबल आंसर यही माना जाता है, जबकि वो दो गलत नहीं है लेकिन केवल के आधार पर वो गलत हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है और आप परिवार के हिस्सा हैं तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि बच्चों का कोई भी समाजीकरण होता है उसमें जो परिवार का रोल होता है वो कैसा होता है। रोमांचककारी, ये पॉजिटिव शब्द है लेकिन रोमांचक स्थिति के बारे में बात होती है, स्थिति के बारे में रोमांचक होती है, इसलिए इसको अलग रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार की जो मुख्य विशेषता होती है या मुख्य भूमिका होती है एक बच्चे को समाजीकरण बनाने में, तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो होती है सबसे ज़्यादा मुख्य होती है। जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसी चीज़ों को सीखता है और उसी तरह उसकी माइंडसेट भी बन जाती है उसी एनवायरनमेंट के तरह, इसलिए परिवार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे के जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है उस संदर्भ में। गौण है यानी दूसरी मुख्य के बाद दूसरी वाली बात या जीरो कम महत्वपूर्ण है, ये भी गलत बात है, परिवार की तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको कि इसमें सही मिलान आपको ढूंढना है। और ये देखिए कि चार अवस्थाओं की बात हुआ है, ये चार अवस्थाएं जो आप देख पा रहे हैं, चार अवस्थाएं, और इन चार अवस्थाओं के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन पियाजे ने इन अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिन पियाजे महोदय ने, तो इसलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि जिन पियाजे शब्द जब भी आ जाएगा तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक शब्द, दिमाग में छाप डालिए इसको कि जिन पियाजे जब भी आएगा संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक वाला जवाब करेक्ट होता है। जो जिन पियाजे ने बालकों में ये संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया और फिर उन्होंने क्या ऐसा कहा, गौर से देखिए, तो अगर ऑप्शन आपको करेक्ट ढूंढना है कि कौन वाला ऑप्शन सही है तो देखते हैं कि
अगर आप इसको देखते हैं तो सही मिलान में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिन प्याजे की, अगर इस पॉइंट को देखें कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा ये क्या होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चे की जो उम्र होती है वो 11+ होती है, यानी 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वह जिन प्याजे के संदर्भ में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, 11 वर्ष के बाद। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, किसी भी समस्या को समाधान करने में सक्षम होने लगता है या मेच्योर होने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और कि इसमें उसकी चिंतन में पूर्णता आ जाती है, वह चिंतन में पूर्णता ला देता है, चिंतन अच्छे से करने लगता है, किसी चीज़ को समझने लगता है कितना गलत है कितना सही है, चिंतन में पूर्णता आने लगती है। तो यहाँ एक शब्द जो है जैसे आप देख रहे हैं कि अनुकरण प्रारंभ, यानी अब फॉलो करना प्रारंभ करता है, या एक तरीके से यहाँ समझ रहे हैं कि अनुकरण प्रारंभ, तो ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, इस आधार पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 11+ की बात है और इसमें बच्चा अनुकरण करेगा यानी दूसरे को कॉपी करेगा, तो ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को यदि मैं देख रहा हूँ कि दूसरा ऑप्शन है सहसवावस्था। इस अवस्था के बारे में देखिए कि इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा संवेदना सीख जाता है अपनी जो सेंसरी आर्गन से, इसी को सहसवावस्था भी कहा जाता है। इसकी जो आयु होती है वह होता है 0 से 2 वर्ष तक का, 0 से 2 वर्ष तक का आयु कहलाता है सहसवावस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसमें बालक क्या करता है कि वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करेगा और उसके बाद से क्या करेगा, जो जीवन में होने वाली जैविक क्रियाएं हैं उनको वह क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात देखिए कि इस वाले ऑप्शन में क्या दे दिया है कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा तर्क का अनुप्रयोग करेगा और अनुमान लगाने में सक्षम होगा। अभी तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि कौन मम्मी पापा हैं लोग, तब तक तर्क करना चालू कर दिया। इसका मतलब ये वाला भी मिलान क्या है, गलत है, और पहला वाला भी क्या है, गलत है। तो 2 ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन को यदि आप देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा। ये देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा किसको कहते हैं, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। तो इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खोज की अवस्था किसको कहा गया है, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो खोज की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र को खोज की अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा करता क्या है, तो इस अवस्था में बच्चा क्यों कैसे का प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है, क्यों अर्थात क्यों कोई काम हुआ या कैसे हुआ, इस तरीके का प्रश्न कर लेता है। इसलिए जिन पियाजे महोदय ने इसको खोज की अवस्था की कि बच्चों में कारण और अवस्था या वजह जानने की बातें शुरू होने लगती है। तो इसमें बोल दिया है निगमनात्मक विचार। अब देखिए यानी परिभाषा गठित करने की बात, अभी तो वो शोध कर रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है, तो परिभाषा संबंधित बातें कैसे हो सकती हैं, नियम विचार बनाने संबंधी कैसे बातें हो सकती हैं, इसलिए भी जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो बचा है इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा चौथा, देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। मूर्त से ही समझ में आ रहा है कि वस्तुओं को देखने से, और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है संक्रियात्मक। देखिएगा इसमें संक्रियात्मक शब्द के बारे में गौर से समझिए। इस अवस्था की जो एज होती है 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि तार्किक चिंतन करने लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, तार्किक चिंतन करने लगेगा, तार्किक चिंतन करता है। और उसके बाद से जैसे इसमें संक्रियात्मक शब्द इसमें भी है, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग यानी संक्रिया संबंधी चीज़ों को करना चालू कर देता है अच्छे से। और फिर उसमें क्या होता है कि वर्गीकरण की क्रिया भी क्या होने लगती है, शुरू हो जाती है, किसी चीज़ को वर्गीकृत करने लगता है कि ये क्या है, वर्गीकरण की चीज़ें होने लगती हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यह भी प्रश्न एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये हर साल लगभग लगभग रिपीट होता है। इस प्रश्न को गौर से देख लेंगे कि एक बच्ची कहती है, क्या कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बस इतनी बात। उसको इस बात का पता है कि कपड़े क्यों सूखते हैं और कहाँ सूखते हैं। तो इसको एक बात जब पता हो गया कि जो कार्य हो रहा है सूखने का, एक बात गौर से समझिए, कार्य जो हो रहा है सूखने का उसका कारण उसको पता चल जा रहा है कि किस कारण वो सूख रहा है, और कारण है उसका सीधे धूप, यानी किसी भी कार्य के जो होने की वजह है यानी जो कारण है ये उसको ऑलरेडी सीधे दिख जा रहा है। तो ये वाला जवाब जो ऑप्शन नंबर बी है सीधे तौर पर हो जाएगा, जब ये क्लियर हो जाए कि इस वजह से हो रहा है, तो उसमें कार्य की जो वजह है कारण है वो क्लियर हो चुका। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि अहम केंद्रित, तो अहम केंद्रित तो होगा नहीं, अहम केंद्रित चिंतन का मतलब हो जाएगा कि बच्चा स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र में रख के सोचे, हद तुरी ये तो मुझे पता है साला, की किसी को पता ही नहीं है कि धूप में कपड़े सूखते हैं, तो मैं ही जानता था, मैं तो खोज कर दिया, तो ये अहम केंद्रित चिंतन हो गया। आप सोचने बाप रे बाप कितना बड़ा आविष्कार कर दिया, तो ये थोड़ा सा इस सवाल से इसका ताल्लुकात नहीं है। विपर्य चिंतन भी एक तरीके से सेबल थिंकिंग वाला जवाब भी गलत हो जाएगा, प्रतीकात्मक इसमें प्रतीक वाली तो बात थी नहीं, तो ये वाला जवाब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पियाजे के अनुसार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जितना स्टार लगाना चाहें लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से 4 स्टार लगाने का मतलब है कि ये क्वेश्चन एकदम राम बाण छपने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए इसको अगर एक बात देखेंगे कि इस वाले प्रश्न को देखें कि कौन सा एक प्रकार आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत यानी बेस की बात कर रहा है कि आपको मजबूत करने वाली बात, एक विद्यार्थी को आगे ले जाने वाली बात क्या है, आधारभूत सहायता क्या है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना चाहिए, आप देख रहे हैं प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, ये वाला जवाब पॉजिटिव का होता है, और आधारभूत शब्द भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सहायता तो यही है कि विद्यार्थियों को आप ऐसी बातें कहिए जिससे मोटिवेट हो सकें, प्रेरित हो सकें।
ये वाला जवाब करेक्ट हो सकता है। रोक लीजिए, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, देख रहे हैं ना, अगर प्रश्न पूछने का उसके बगैर प्रश्न पूछने ही नहीं दिए हैं, यानी उसके अवसर की क्षमता ही नहीं दिए हैं, तो इसलिए वह बालक अपने अभिव्यक्ति और विचार को प्रकट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर आप स्पष्टीकरण दे देंगे, नहीं तुम जवाब नहीं दोगे और अपना क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, जो अधिकतर ये होता है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना, आप सीधे जानते हैं कि उपहार और दंड, पुरस्कार, इनाम, ये सब सीटेट के एग्जाम में या एक शिक्षा के संदर्भ में सब गलत चीज़ें हैं। कब तक कि वह लालच की श्रेणी में आ जाएगा, या एक तरीके से दंड के प्रावधान बच्चों के संदर्भ में रखा नहीं गया। तो उपहार, दंड, इनाम, पुरस्कार, इस तरीके के सब जब भी आएंगे, ये कीवर्ड हैं, तो ये सारा जवाब गलत होता है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये एक बात देखिए, अनुबोधन और संकेत एक तरीके से ठीक था, लेकिन नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना, केवल नाजुक परिस्थिति पर ही प्रश्न पूछना, इसलिए केवल बात छिपा है इसमें, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला, सॉरी, चौथा, तीसरा और दूसरा गलत हो जाएगा। पहला हो जाएगा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला स्पीच दीजिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाए, मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, और वाइगोस्की महोदय आ गए, और ये जम के पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा एक तरीके से इस प्रश्न की आवृत्ति होती है, और इसको तो एकदम दिमाग में फिटअप कर लीजिएगा कि जब भी वाइगोस्की शब्द आएगा, वाइगोस्की महोदय आएंगे, तो इसका मतलब होता है वाइगोस्की का सीधे शब्द आशय होता है सामाजिक से, यानी सामाजिकता के संदर्भ में वाइगोस्की वाला जवाब क्या होता है, करेक्ट होता है। तो वाइगोस्की जब भी शब्द आएगा, तो इसका मतलब समझिएगा सामाजिक, तो परिपक्व होने से इसको रोक लेंगे अनुकरण से, और वाइगोस्की कभी कभी मैंने जैसे ही चर्चा किया सामाजिक, तो आप देख रहे हैं कि वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की महोदय ये मानते थे कि व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कि वह समाज में होता है, और दो आधार पर होता है, एक तो मान लीजिए कि समाज के आधार पर, और दूसरा भाषा के आधार पर। तो व्यक्ति जो अपने समवयस्कों के साथ जो अधिगम करता है, सीखता है, उसी के आधार पर उसके भाषा का भी विकास होता है। तो इसलिए जब भी वाइगोस्की शब्द आएगा, तो आपका सामाजिक शब्द वाला जवाब सही हो जाएगा। पुनर्बलन शब्द जब भी आता है, आप दिमाग में रखिएगा, इसको कीवर्ड बना दीजिएगा, ये हमेशा ही गलत होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। अब दिमाग में एक बार ध्यान रखिएगा, कोलबर्ग शब्द आया है, ये भी हर बार तीनों प्रश्न एक ही एग्जाम में पूछ लिया है, कि अभी आपने जीन पियाजे को देखा, तो जीन पियाजे शब्द जब आएगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा, तो ये जीन पियाजे महोदय के संदर्भ में था संज्ञानात्मक। उसके बाद से शारीरिक विकास जो होता है, हरलाख महोदय के संदर्भ में होता है, हरलाख महोदय, अगर शारीरिक विकास की बात हो रही है तो हरलाख महोदय का नाम आएगा। उसके बाद से आप देख रहे हैं नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण जब भी नैतिक शब्द आएगा, कोलबर्ग का नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। एक शब्द और बचा है संज्ञानात्मक विकास, जरा इसको देख लीजिएगा, इसके संदर्भ में आपके सिगमंड, संवेगात्मक विकास के संदर्भ में आपके सिगमंड फ्रायड आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, सिगमंड फ्रायड, जो संवेगों के माध्यम से सीखने वाली चीज़ होती है, उसमें सिगमंड फ्रायड आते हैं और वाटसन महोदय आते हैं, इसलिए सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे इसके बारे में और वाटसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन मित्रों से कौन सी ऐसी स्थिति है जो बाल केंद्रित है, यहाँ ध्यान देंगे, बाल केंद्रित, अब आपको ढूंढना है बाल केंद्रित, यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में देखिए, यहाँ बाल केंद्रित को प्रदर्शित कर रही है। तो पहला यदि ऑप्शन आप देखते हैं कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक, देखिएगा सीधे यह पाठ्य पुस्तक एकमात्र, जब भी आपके एग्जाम में कहीं भी एकमात्र शब्द आएगा, केवल शब्द आएगा, मात्र शब्द आएगा, तो ये जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक मात्र पुस्तक की संसाधन नहीं होती है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें शिक्षक क्या करता है, टीएलएम के रूप में इस्तेमाल करता है। उसके बाद देखेंगे एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, यहाँ तक तो बात करेक्ट है, और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जिसमें विद्यार्थी बैठे हों और उसके बाद से क्या हो कि शिक्षिका बार बार प्रत्येक समूह में जाकर यह जाँच कर रही हो, निरीक्षण कर रही हो, यानी अवसर की पहले तो वो क्षमता दे रही हो, सबको अवसर समान दे रही हो, और इसलिए वह ग्रुप या समूह जो होगा शिक्षिका से सीधे रूबरू होगा और अधिगम कर पाएगा। तो ये वाला जवाब बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षिका सीधे या जाके क्या करे कि उस ग्रुप से संपर्क करें और समूह में चलाए, ग्रुप वाली बात मैंने पहले ही कहा था कि ये जवाब करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन यदि देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में दिया है कि पुरस्कार और दंड, ये जब भी शब्द आएगा पुरस्कार, दंड, इनाम, तो ये गलत हो जाएगा, ये कीवर्ड मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ऑप्शन इसमें दिया है कि नोट लिखा देना, ये बकवास की बात होती है कि एक नोट लिखवा दीजिए और उन्हें याद करने के लिए, एक बार ध्यान रखिए कीवर्ड में याद रख लीजिएगा कि याद करना, रटना, स्मरण करना, कंठस्थीकरण करना, ये शब्द जब भी आएगा जवाब हमेशा हमेशा के लिए गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आपके एक और क्वेश्चन की तरफ देखना होगा कि बुद्धि क्या है, और बुद्धि के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि बुद्धि क्या है, इसलिए एक अकेला और जाति विचार बिल्कुल गलत, दूसरों के अनुकरण की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता और सामर्थ्यों का समुच्चय, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सामर्थ्यों का समुच्चय। बुद्धि क्या है कि एक ऐसी समुच्चय होती है जिसमें शक्ति निहित होती है, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटी, जो समस्याओं को समाधान करने में काम करती है, तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखेंगे भाषा के विकास के लिए, यदि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, प्रारंभिक बचपन कैसा होता है भाषा के विकास के लिए, तो ये फिर वही बात हो गई, अमहत्वपूर्ण, अ का मतलब नहीं हो जाएगा, वही बात हो गया, और महत्वपूर्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा भाई, भाषा विकास के लिए तो हर अवस्था महत्वपूर्ण होती है, इसलिए तो पहले ही गलत दे दिया, ये खत्म हो जाएगा। अति संवेदनशील, बिल्कुल अति संवेदनशील होता है, निरपेक्ष नकारात्मक शब्द है, कम महत्वपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए संवेदनशील जो है एक तरीके से
पॉजिटिव शब्द हो जाएगा तो जवाब करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भाषा के विकास के संदर्भ में अगर बात हो रही है तो ये समझा जाए कि जो ये अवस्था होती है प्रारंभिक बचपन, इस अवस्था में अगर बच्चे को जो भी सिखाते हैं उसके दृष्टि पटल पर छप जाती है और वह उसी आधार पर भाषा का एक तरीके से फ्रेमिंग कर पाता है और भाषा का अनुसरण करके वैसे वैसे सीखते जाता है। इसलिए यह अवस्था तो एकदम हाइपर सेंसिटिव मान के चलिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एक सह शिक्षा कक्षा में, पहले ये सॉरी देखिएगा, एक सह शिक्षा की बात बोला गया है। सह शिक्षा क्या होता है पहले इसको समझिए कि साथ में चलने वाली शिक्षा यानी एक तरीके की समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे जैसे दिव्यांग, उसके बाद से पुरुष यानी जो बॉयज गर्ल्स जितने भी होंगे उन सबको लेकर कर रहा है। तो इसलिए इस कक्षा में अगर आप एक तरीके से कोई भी समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात होती है कि दिव्यांग बच्चों की बात होती है या तो जेंडर को लेकर बात होती है। और जेंडर में ये बात होती है कि मान लीजिए कि किसी बच्ची को कह दिया जाए कि ऐसे करो लड़कों की तरह तुम हो रही बन रही हो, या लड़कों को कह दिया जाए कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, सेम उसी तरीके से बात है। देखिए ऐसे कहा गया कि शिक्षिका ने कहा कि शिक्षक कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो आप जानते हैं कि ये सारी बातें एक तरीके से रूढ़िबद्ध धारणा बन चुकी है कि लड़कियां खेत में नहीं काम करेंगी, घर में काम करेंगी, लड़कियां बड़ी कोमल होती हैं। एक पूर्व धारणा बन गया है, पूर्वाग्रही व्यक्ति हो गया इस तरीके से। तो ये बहुत खतरनाक है, एक तरीके से लैंगिक भेदभाव है और इस पूर्वाग्रही होने के कारण यह विचार हमारे पूरे समाज में रूढ़िबद्ध धारणा को जकड़ लिया है। जिससे हम जानते हैं कि बच्चियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, उनका स्वभाव कोमल होता है, वह रोटी पकाने के लिए घर में काम करने के लिए बनी है, बहादुरी वाला काम नहीं कर सकती हैं, कलम वाला काम करेंगी, मैथ नहीं लगा पाएंगी, इस तरीके से ये सारा रूढ़िबद्ध धारणा है। तो हम देखेंगे लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ये तो सबसे खराब उदाहरण है कि जब किसी कक्षा में कहा जाए कि लड़के बनो मर्द बनो, मर्द की मर्दानगी इसी में है कि लड़कियों को नीचा दिखाओ, तो एक तरीके से सबसे खराब आंसर होता है। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की, देखिएगा, भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या होता है कि जब एक ही विचारधारा में बहुत बड़ी जनसंख्या या समस्त जनसंख्या या समस्त लोग उस धारणा में जकड़ जाते हैं तो वह रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है और उसी से व्यक्ति पूर्वाग्रही हो जाता है कि पूर्व की कही हुई धारणाओं को मानने लगता है जो कि खराब जोन है। और इसी कारण है, यही कारण है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को बच्चियों को उतना ज़्यादा एक तरीके से मौका नहीं मिल पाता, अवसर की क्षमता नहीं मिल पाती है। अभी देख रहे हैं कि आज बालिका दिवस भी रहा, उसके बाद से बालिका दिवस पे तमाम योजनाएं रहीं, कल एक बच्ची उत्तराखंड में सीएम बनी एक दिन के लिए उस प्रोत्साहन को लेके कि ताकि बच्चियों की एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। सरकार तमाम योजनाएं लाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या विद्याधन योजना, तमाम प्रकार के योजनाएं ला के बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि एक तरीके से क्या हो सके कि समाज में बच्चियों का भी वर्चस्व हो और समान रूप में एक तरीके से बच्चों के साथ कंधे मिला के लड़कों के साथ कंधे मिलाकर चलें। वही हाल है कि हमारी छोरियाँ किसी छोरे से कम है क्या? तो इसलिए भारत सरकार इसे काम कर रहा है, हम भी और आप भी मिलकर इस समाज को आगे लेकर चले, इस रूढ़िवादिता को तोड़ के हमको आगे चलना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक और इसी में अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर तीसरे के लिए मैं बात करूँ कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता, ये बकवास बात है कि जीव वैज्ञानिक महत्ता बनी हुई थी। जीव वैज्ञानिक महत्ता कैसे हो सकता है? जाति भेदभाव का परिचायक है, जाति भेदभाव नहीं करेंगे, वो जाति भेदभाव नहीं है, वो लैंगिक भेदभाव है, अगर वैसी बात होती तो हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आकलन, देखिए आकलन क्यों कहा किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ये देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है कि आकलन है ये समझ लीजिए, आकलन बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकलन इसीलिए किया जाता है ताकि हम बच्चों को ये समझ पाएं कि प्रतियोगितात्मक भावना को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, या उसके लायक है कि नहीं, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, ताकि इसको हम समझ के हम इसमें सुधार ला सकें, जवाब करेक्ट हो जाएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव शब्द आ गया, नकारात्मक है, आकलन के संदर्भ में गलत हो जाएगा, तनाव और दबाव गलत दोनों शब्द है। सीखने में सुधार का एक तरीका एक बात कहा, ये वाली जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों को लेवल, जब भी बच्चों को लेवल वर्गीकृत इस तरीके की बात आएगा, जवाब दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लेवल करना वर्गीकृत करना जवाब हमेशा हमेशा के लिए गलत होगा, ये इसका कीवर्ड है।